वाइटिंग एंटरटेनमेंट की श्रृंखला दीप महोत्सव की तीसरी कड़ी में आज हम बात करेंगे मुख्य पर्व दीपावली की। तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का संदेश लेकर आती है हर साल दीपावली। ये रोशनी का त्योहार है, प्रकाश का पर्व। भगवान बुद्ध ने कहा है, आपो दीपो भवः, आप स्वयं ही प्रकाश बन जाइए। सभी वेद और उपनिषद भी यही कहते हैं, आप सभी प्रकाश हैं। आप में से कुछ प्रकाशित हो गए हैं और कुछ अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं, लेकिन सभी के अंदर प्रकाश देने की क्षमता है। दीपावली को धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी के साथ बाधाओं को दूर करने वाले श्री गणेश, विद्या की देवी सरस्वती जी और धन प्रबंधक श्री कुबेर की भी पूजा अर्चना करते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या की अर्धरात्रि में महालक्ष्मी स्वयं भूलोक में आती हैं और प्रत्येक सदगृहस्थ के घर में विचरण करती हैं। जो घर हर प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध और सुंदर तरीके से सुसज्जित और प्रकाशयुक्त होता है, वहाँ अंश रूप से ठहर जाती हैं। इसलिए इस दिन घर बाहर को खूब साफ सुथरा करके सजाया सवारा जाता है। पुराणों के अनुसार देवताओं और दानवों द्वारा क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न लक्ष्मी जी ने दीपावली की रात को ही विष्णु जी को अपने पति के रूप में चुना था और उनसे विवाह किया था, इसलिए ये उत्सव मनाया जाता है। दीपावली का पर्व श्री विष्णु की बैकुंठ में वापसी के दिन के रूप में भी मनाया जाता है। माना जाता है कि 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या वासियों ने अपने प्रिय राजा राम के आगमन पर बहुत उल्लास के साथ उनका स्वागत किया था। सारे नगर में घी के दीपक जलाए गए थे, जिससे अमावस्या की घनी काली रात भी जगमगा उठी थी। तभी से हर साल इस तिथि को दीप पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। जरा सोचिए, श्री राम के स्वागत में अयोध्या को सजाने की तैयारियां कितने पहले से शुरू हो गई होंगी। तभी तो आज भी लोग कई सप्ताह पहले से ही दीपावली की तैयारियां आरंभ कर देते हैं। दीपावली के बारे में एक और कहानी प्रचलित है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से माता लक्ष्मी को मुक्त करवाया था। एक और पौराणिक कथा के अनुसार श्री विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। महाभारत के अनुसार जब कौरव और पांडवों के बीच होने वाले चौसर के खेल में पांडव हार गए, तब उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। पांचों पांडव अपना वनवास समाप्त कर इसी दिन वापस लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में दीप जलाकर उत्साह के साथ दीपावली मनाई गई थी। दीपावली में ज्यादातर लोग नई वस्तुएं खरीदते हैं और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को उपहार देते हैं। दीपावली मिलजुल के मनाने का त्योहार है। लोग आपस में एक दूसरे को उपहार देते हैं। फर्श दरवाजों पर रंगोली सजाई जाती है। घर के अंदर भी काफी साज सज्जा होती है। भारत के पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इस त्योहार को काली पूजा के रूप में मनाते हैं। यहाँ माँ लक्ष्मी की जगह माँ काली की पूजा होती है। भारत के कुछ पश्चिमी और उत्तरी भागों में दीपावली का त्योहार नए वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाते हैं। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी दीपावली के बारे में बताया गया है। दिए को स्कंद पुराण में सूर्य के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है। जीवन के लिए प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करने वाला सूर्य कार्तिक माह में ही अपनी स्थिति बदलता है। दीपावली पर्व का ऐतिहासिक महत्व भी है। बताया जाता है कि राजा विक्रमादित्य का राजतिलक इसी दिन किया गया था, जिससे दीपावली का महत्व और खुशियां कई गुना बढ़ गईं। जैन मतावलंबियों के अनुसार 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को कार्तिक अमावस्या की तिथि को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए जैन समाज द्वारा दीपावली का पर्व महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन संध्या काल में महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य गौतम गणधर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सिखों के लिए भी दीपावली बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन को
सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास जी ने लाल पत्र दिवस के रूप में मनाया था, जिसमें श्रद्धालु गुरु से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। इसके अलावा वर्ष 1577 में अमृतसर के हरमंदिर साहब का शिलान्यास भी दीपावली के दिन ही किया गया था। ये सिख धर्मावलंबियों का सबसे पावन धार्मिक स्थल और प्रमुख गुरुद्वारा है, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। सिख धर्म के इतिहास में इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। 1619 में इसी दिन सिख गुरु हरगोविंद जी को ग्वालियर के किले से 52 राजाओं के साथ मुक्त किया गया था, इसलिए इस पर्व को सिख समाज बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाता है। पंजाब में जन्मे स्वामी राम तीर्थ का जन्म और महाप्रयाण दोनों दीपावली के दिन ही हुए। उन्होंने दीपावली के दिन गंगा तट पर स्नान करते समय समाधि ली थी। भारतीय संस्कृति के महान जननायक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी इसी दिन की गई थी। इस कारण भी दीपावली का त्योहार कुछ अलग ही महत्व रखता है। दीपावली के दिन ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने अजमेर के निकट अवसान लिया था। दीन इलाही के प्रवर्तक मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाशदीप दीपावली के दिन लटकाया जाता था। बादशाह जहांगीर भी दीपावली धूमधाम से मनाते थे। मुगल वंश के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर दीपावली को त्योहार के रूप में मनाते थे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। शाह आलम द्वितीय के समय में समूचे शाही महल को दीपों से सजाया जाता था और लाल किले में आयोजित कार्यक्रमों में हिंदू मुसलमान दोनों भाग लेते थे। दीपावली के दिन काजल बनाने की परंपरा है। सरसों के तेल या घी के दिए से ये काजल बनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस काजल को आँखों में आंजने से किसी की बुरी नजर नहीं लगती और आँखों का तेज बढ़ता है। बृहदारण्यक उपनिषद की इस प्रार्थना में प्रकाश के इस महापर्व में जीवन ऊर्जा की परम ज्योति का आवाहन इस प्रकार किया गया है। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर मा अमृतम गमय, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर हमें ले जाओ। ओम शांति शांति शांति। वाइटिंग एंटरटेनमेंट की दीप महोत्सव श्रृंखला की तीसरी कड़ी में आज हमने मुख्य पर्व दीपावली के बारे में बात की। अगली कड़ी में चौथे दिन के त्योहार यानी अन्नकूट यानी गोवर्धन पूजा के महत्व और इससे संबंधित मान्यताओं के बारे में बात की जाएगी। देखते रहिए वाइटिंग एंटरटेनमेंट। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। ज्योति पर्व दीपावली आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। हैप्पी दिवाली।